नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत के कप्तान विराट कोहली ने महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली ने अपने वनडे करियर में 12,000 रन पूरे कर लिए। विराट ने तीसरे वनडे में जैसे ही 23 रन बनाए, वैसे ही वनडे में 12,000 रन पूरा करने में वो सफल हो गए। वनडे में सचिन ने अपने करियर में 12,000 रन 300वीं पारी में पूरी की थी। वहीं कोहली ने तीसरे वनडे में 23 रन बनाते ही 12,000 रन पूरे कर लिए। कोहली ने यह कारनामा केवल 242वीं पारी में पूरा किया। ऐसा करते ही कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज वनडे में बन गए। सचिन तेंदुलकर के अलावा रिकी पॉन्टिंग ने अपने वनडे करियर में 12,000 रन 314वीं पारी में पूरा करने का कमाल किया था। श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 336 पारी, सनत जयसूर्या ने 379 पारी और महिला जयवर्धने ने 399वीं पारी में 12,000 रन पूरे किए थे। ऐसे में कोहली के पास वनडे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वहीं दूसरे वनडे में अपनी पारी के दौरान कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। कोहली दूसरे वनडे में शतक से चूक गए थे और 89 रन की पारी खेली थी। हालांकि भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कोहली की पारी ने फैंस का दिल जरूर जीता था। कोहली ने अपनी 251वें मैच की 241वीं पारी में 12,000 वनडे रन पूरे किए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को बड़े मार्जिन से तोड़ा। सचिन ने 309 मैचों की 300वीं पारी में 12,000 रन पूरे किए थे। तेंदुलकर ने 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन में खेली गई 98 रनों की यादगार पारी के दौरान यह पड़ाव पार किया था। कोहली वनडे इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले दुनिया के छठे और भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।